डबल सेलिब्रेशन है। बात है कि ये वाला जो वाटर है ये पूरे जितना भी आपके बाल कड़क आज करेंगे हेयर केयर, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्यों कर रहे हैं। टाइटल में देखा होगा कि लड़के वाले घर आ रहे हैं, इसीलिए जब भी लड़के वाले किसी के घर में आते हैं तो वो लोग हेयर केयर स्किन केयर वो सब करते हैं। मुझे तो बहाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सब सेटअप कर लिया है। और यहाँ पे आपको बताऊंगी कि बालों में क्या लगाती हूँ मैं, मतलब मैं तो अलग अलग चीजें लगाती हूँ। ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने बहुत बार लगाया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये। आपको हेयर फॉल हो रहा है और आपके बाल अच्छे लगने चाहिए, शाइन होना चाहिए, बहुत सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है, हेयर ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं ये आज बनाऊंगी और लगाऊंगी क्योंकि स्पेशल है। और दूसरी चीज है, बता रही हूँ कि ओल्ड क्लोथ्स पहनो जब आप सर पर कुछ लगा रहे हो। मम्मी ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि मैंने इतने सारे कपड़े खराब किए इस चक्कर में, लेकिन अब नहीं करती हूँ। अब मैं हमेशा कुछ ऐसे ही पहन लेती हूँ जो ठीक है, खराब हो तो भी चलेगा। वैसे इसके स्टेन्स तो पता नहीं लगते, नहीं लगता है, लेकिन तो भी कुछ भी ओल्ड क्लोथ आप पहन लो। तो मैंने जैसे पहन लिया है, अब करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने करी पत्ता ले लिया है जो ऑर्गेनिक है। मेक श्योर के करी पत्ता ऑर्गेनिक होना चाहिए। इसे वॉश कर लीजिए। अब ये करी पत्ता है जो मैंने इतना लिया है, आप लोग कितने भी ले सकते हो, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है। तो ये इतना मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, कौड़ी क्या बोल रही हूँ, तो इतना मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है जो ऑर्गेनिक है, धो लिया है इसे अच्छे से। अब और एक चीज मैं बताती हूँ कि ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ये एक साथ बॉईल कर लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा गलत है। आई डोंट नो ये क्यों करते हैं। तो मैं बताती हूँ कि कौन सा पहले मैं डालती हूँ और कौन सा बाद में डालती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेथी दाना, ठीक है, और ये कलौंजी जो अनियन सीड्स होते हैं। हम लोग सबसे पहले एक बोल में पानी लेंगे। ये बोल में पानी डाल रही हूँ, थोड़ा ज्यादा पानी डालना पड़ता है क्योंकि जब हम बॉईल करते हैं तो पानी कम हो ही जाएगा। सबसे पहले पानी में मैं बॉईल करती हूँ, एक तो मैं मेथी दाना डालती हूँ, दूसरा मैं जो कलौंजी सीड्स आपको बताया वो डालती हूँ, 2-3 स्पून इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कलौंजी सीड्स। तो बहुत मेहनत लग रही है प्लीज, हर वक्त मैं स्टैंड पे लगा रही हूँ, निकाल रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ, बट आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे पानी में बॉईल करने रख दिया है, देख लो पानी में ये कलौंजी और मेथी सीड्स दोनों बॉईल हो रहे हैं। और ये मैंने यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने पहले ही अपने बालों में ये वाला ऑयल लगाया है। ये है ऑलिव ऑयल, कोई भी आप ले सकते हो। ये है कैजर ऑलिव ऑयल, आप कोई भी कोल्ड प्रेस ऑयल ले सकते हो, कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल। वैसे मैं खुद भी ऑयल्स बनाती हूँ, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में भी, वो भी मैं लगाती हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ पैक वगैरह लगा रही होती हूँ तो मैं सिंपल ऑयल लगाती हूँ, प्लेन वाला, जैसे ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल मैं नहीं लगाती हूँ। अगर मैंने कभी लगाया भी तो कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाती हूँ, जैसे कि दूसरे दूसरे ऑयल्स के साथ मिक्स करके वैसे लगाती हूँ, सिर्फ कोकोनट ऑयल मैं नहीं लगाती हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी ऑलिव ऑयल लगाया जो मुझे एक्चुअली में नहीं लगाना चाहिए था। हेयर केयर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे आपको बताया कि लड़के वाले आ रहे हैं तो ऐसे कुछ आपको पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, तो नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि शैम्पू से वो ऑयल निकलता नहीं है, तो इसीलिए नहीं लगाना चाहिए। बट ठीक है, मैंने लगा दिया। अगर ऑयल नहीं निकलेगा तो मैं ऐसे बन बना लूंगी, अगर निकल जाएगा तो मैं हेयर ओपन रखूंगी। तो देखते हैं क्या होता है। आप इसे थोड़ा बॉयल होने देंगे, जैसे जब तक ये थोड़ा सा बॉयल होगा, वैसे इसे स्लो पे रखा है मैंने, तब तक मैं इसमें डालूंगी जिंजर। ऑर्गेनिक जिंजर है और बिल्कुल वॉश किया हुआ है, मैंने इसको पील नहीं किया है, बिल्कुल अच्छे से वॉश किया हुआ है। अब मैं इसे डायरेक्ट डाल दूंगी। जिंजर आप थोड़ा क्रश करके डालोगे तो भी बेटर है। हाँ, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा क्रश करके डाल देती हूँ। मैं इसमें डालूंगी अनियन, ये भी ऑर्गेनिक अनियन है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो भी मैं यूज करूँ वो ज्यादा करके ऑर्गेनिक ही हो। ऑर्गेनिक वेजीज यूज करने का फायदा ये है कि आप इसे होल यूज कर सकते हो, इस हमें सल्फर वगैरह सब कुछ मिल जाता है अच्छे से। तो मैं इसे पूरा ही छिलके के साथ में इसे डाल रही हूँ। थोड़ा सा बॉयल हुआ है वाटर, उसके बाद में मैंने जिंजर डाला और बाद में मैंने अनियन डाला। हाथ कट गया। एज यू कैन सी, इसमें छिलके के साथ अनियन है, जिंजर है और कलौंजी है और मेथी दाना है, ठीक है। और अगर आपके पास उस वक्त कोकोनट हो, फ्रेश कोकोनट, वो भी डाल सकते हो, वो भी मैं कभी कभी डाल देती हूँ। आप जैसे देख रहे हो थोड़ा सा बॉईल हो गया है, ज्यादा नहीं बॉईल हुआ है। इस वक्त हम लोग कड़ी पत्ता डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, अभी अच्छे से इसको बॉईल होने देंगे, थोड़ा और बॉईल होएगा ये अच्छे से। अब आप देखो जब इतना ज्यादा बॉईल हो जाए उसके बाद में हमें इसमें डालना है ग्रीन टी।
आप नॉर्मल जो ब्लैक टी होता है वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ग्रीन टी डालती हूँ। मुझे उससे बालों में जो शाइन आती है वो मुझे लगता है ज्यादा आती है, तो ग्रीन टी डाल दो। आप ब्लैक टी भी डाल सकते हो, मैं पहले ब्लैक टी डालती थी, लेकिन जैसे मुझे हैबिट है अलग अलग चीजें ट्राई करने की, तो मैंने इसमें ग्रीन टी डाला था, तो मुझे बालों में बहुत ज्यादा अच्छा उसका इफेक्ट लगा, तो मैं अभी ग्रीन टी ही डालती हूँ, तो वो भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। ये है मेरी ग्रीन टी जो मैं डाल रही हूँ, और बिल्कुल एंड में डाल रही हूँ कि ग्रीन टी को ज्यादा नहीं रख सकते, तो बस बंद कर दिया। इसे अभी हम लोग स्ट्रेन करेंगे। तो ये मेरा वाटर, टॉनिक वाटर रेडी हो गया है हेयर का, और मैंने इस मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ है पहले से ही, मैंने आपको बताया था ऑलिव ऑयल लगा के रखा है मैंने, तो उसके ऊपर ये मैं लगा रही हूँ। आप कहीं जाने वाले हो तो पहले ऑयल मत लगाओ, अच्छा है खाली सिर्फ यही लगाओ। मेरे ये हेयर वॉश 3 दिन पहले किया था, और अब मैं ये लगाती हूँ। और मैं ये भी बता दूं कि वो लोग आएंगे उसके बाद में तो जरूर ब्लॉग करूंगी, लेकिन अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकूंगी, लेकिन आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं जब भी हेयर केयर स्किन केयर ऐसा कुछ करूंगी तो जरूर ब्लॉग करूंगी, इसीलिए मैंने ब्लॉग किया इतने सारे मेस में भी। तो अब मैं लगाती हूँ। बात है कि ये वाला जो वॉटर है, ये पूरे जितना भी आपके बाल लंबे हैं वो पूरे बालों में आप लगाइए, स्कैल्प से लेके पूरे नीचे तक लगा दे, नरिशमेंट मिलेगा। तो जैसे कि मैं जानती थी कि मेरे बालों में से ऑयल नहीं निकलेगा, और वो नहीं निकला क्योंकि जब मैं कोई टॉनिक वाटर वगैरह लगाती हूँ तो मैं स्पेशली तब तो बिल्कुल भी शैम्पू का ओवर यूज़ नहीं करती हूँ, जो कि मैंने अभी भी नहीं किया। तो बालों में से ऑयल नहीं निकला था, वो लोग आए थे तो मैंने बन बनाया, वो आप लोग देख लेना आगे चलकर। एंड मेरे बालों को सूखने में ही आधा दिन लग जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। आप लोग का वेलकम भी मैंने बाद में ही किया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लड़के वाले घर में आने वाले हैं, चलते हैं देखते हैं क्या तैयारियां चल रही है। ऐसे कुछ खास तैयारी नहीं चल रही है क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाले हैं। तो ये क्या है? चीकू केक बना रहे हैं। हाँ, घर में थोड़े स्नैक्स वगैरह बनाया, और इसमें भी है चटनी। नहीं है चटनी है ना, है 2-3 चटनी है, तो अभी वेट कर रहे हैं। चीतू भी रेडी है। चीतू दिखा ड्रेस, दिखा। आ जाए इधर। तो ये थोड़ा व्लॉग में कमी आती है, इसको पकड़ पकड़ के खींच खींच के लेके। डबल सेलिब्रेशन है, में मेरा बर्थडे गया है, मेरा बर्थडे, और दूसरा किस लिए है वो बाद में बताऊंगी। तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, आप लोग मेरी बॉडी लैंग्वेज से समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग जो आए हैं मेरी लाइफ के ब्लेसिंग्स हैं। शीतू की मदर इन लॉ है एंड शीतू के हस्बैंड है, और ये दोनों मेरे बेस्टीज हैं। हेलो, कैसे हो? छुट्टी को कुछ खाया खिलाया पिलाया कि नहीं? अच्छा, हैप्पी बर्थडे आपको भी। फिर हैप्पी बर्थडे सारे जितने भी आए। अरे अरे कैसे हो आरिश? केक लेने वाला था, काम लगा था। केक? अरे वाह, अरे हम हमने बोला साथ में सेलिब्रेट नहीं हुआ ना, होममेड केक वो का है। अरे लेकिन यश को भी अवार्ड मिला है ना। अरे भाई अवार्ड में क्या मिलेगा? नहीं, हाँ उल्टा बर्थडे तो हो गया कब का, अवार्ड तो न्यू है। दूसरा जो मैंने बताया था सेलिब्रेशन, वो ये है कि यश को जो अवार्ड मिला है उसके लिए केक कटिंग। आ जाओ तीनों साथ में, आ जाओ यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर हाँ, इसमें हाँ यस, इसको निकालना पड़ेगा, ऐसे ही काट देते हैं। इसका फुल वो रहेगा, कटेगा नहीं ना शीतल? ओके 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 करेक्ट। वेरी नाइस, अरे बर्थडे तो बोलो। शीतू और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट सबके साथ नहीं हुआ था, तो वही आज कर रहे हैं हम घर पर भी, और अभी बाहर भी जाएंगे। यहाँ पर आई को मैं बहुत तंग कर रही हूँ, जो कि मैं हमेशा मिलती हूँ तो करती हूँ। फर्स्ट डे से ही आई और मैं बहुत कनेक्ट कर गए। बहुत ही लक्की लोग होते हैं जिनकी लाइफ में आई जैसे लोग आते हैं, जो इतने ट्रांसपेरेंट और इतने पॉजिटिव होते हैं।
बस ठंडी है। आ गया वो, आ गया डिनर खाने के बाद हम वहाँ पे जाके बैठेंगे, डेजर्ट वगैरह खाएंगे। बोला वहाँ अच्छा लग रहा है। आई गॉट कंफ्यूज्ड बिकॉज़ माही माही इज अ फिश इटसेल्फ। तो यहाँ पर यश ने टेबल बुक किया था जो सी साइड होटल है, लेकिन हमने डिनर किया पूल साइड। तो हमने डिसाइड किया कि जब हम डेजर्ट खाएंगे तब हम लोग सी साइड टेबल पर बैठेंगे, और खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। इनफैक्ट खाने के बाद जो पान था वो भी टेस्टी था। डेजर्ट खाने जा रहे हैं, तो सबका पेट भर चुका था। डेजर्ट तो किसी को भी नहीं खाना था, लेकिन यश के साथ आया और डेजर्ट नहीं खाया, पॉसिबल नहीं। तो हम वहाँ दूर से आए यहाँ पर डेजर्ट खाने के लिए, क्योंकि सी साइड खाना था। You don't open a kitchen. What you do is, you've been to NBC, na? नहीं है। मैं खिलाऊँ। ये आइसक्रीम है। किसको तू खिला रहा है? मम्मी को खिला रहा हूँ। मुझे। कुछ खा रहे हैं सब लोग। हाँ। गर्म है? ठंडा। वो बिक्री वाला है। नॉर्मल। है ना? आइए हाथ मस्त आते कैमरा। हो सकता है ये ज़्यादा ही अच्छा हो। और मुझे बोलना था कि इस व्लॉग में बहुत सारी चीजें मिसिंग है, आई नो, बट नेक्स्ट टाइम से मैं बहुत अच्छे से शूट करूंगी। यू गाइस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।